क्लास अब हम सीखेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या मशीनरी और क्या क्या एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है, रेप्लिकेशन द मशीनरी एंड द एंजाइम। शुरू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन ईकोलाई से। ये हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड है जिसकी एंटी पोलैरिटी है। डीएनए डबल स्ट्रैंड पे एक पोजिशन होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई। इस ओराई पे हमारा हेलिकेज एंजाइम आके बाइंड करता है और डीएनए को अनवाइंड करता है, यानी डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को वो सेपरेट कर देता है और दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड, एक 5' और 3' स्ट्रैंड और 3' और 5' स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं और ये हमारे स्ट्रैंड कहलाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसपे हमारे नए स्ट्रैंड आके सिंथेसाइज होते हैं। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आके बाइंड करेगा हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और वो सिंथेसाइज करेगा नया स्ट्रैंड, वो भी डायरेक्शन 5' to 3' में। क्योंकि ये स्ट्रैंड कहीं से भी ब्रोकन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें, इस स्ट्रैंड पे भी आके हमारा अटैच होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और सिंथेसाइज करेगा नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को, वो भी डायरेक्शन 5' to 3' में। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैंड है वो एक जगह से ब्रोकन है, जैसा कि आप देख सकते हो, यानी ये जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है वो टुकड़ों में हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस और ओकाजाकी स्ट्रैंड। और ये है हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं रेप्लिकेटिंग फोर्क। नाउ हमारे पास और एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम इस ब्रोकन स्ट्रैंड पे आके अटैच होगा और इस ब्रोकन स्ट्रैंड को वो ज्वाइन करेगा और साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं एक कॉन्सेप्ट टेस्ट जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। कॉन्सेप्ट टेस्ट का रूल है क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद जो लगता है सही ऑप्शन उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, फिर हम देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा है। सो रेडी फॉर चैलेंज। क्वेश्चन ये है, एंजाइम दैट सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डी नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चन और उसके ऑप्शन ध्यान से पढ़ लें। नाउ आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ए, यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई रिक्वायर्स अ सेट ऑफ एंजाइम, द मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।